अभी मैं थोड़ा यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ, फिर घर जाएंगे। थोड़ा सा थक गया हूँ। ये देखिए पीछे का थोड़ा सीन यही है बैठने का। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर घर चलेंगे। दोस्तों देखिए कितना मस्त नज़ारा है। चलिए तो ये मेरे घर की तरफ की रास्ता, इधर से ही हम आए थे। इधर देखिए, इधर तो बाढ़ का ही पानी है जो भी है अभी। ठीक है, इस साइड भी तो पूरा आम का बगान ही है। ये भी कच्ची मिट्टी का ही रास्ता है, जो ईंट था वो तो टूट के बाढ़ में पूरा बह गया वो सारा। बहुत मुश्किल से इधर जो भी खेती होती होता है मैक्सिमम टाइम वो डूबा ही रहता है। ये देखिए रोड का तो पता नहीं क्या हाल हो गया। ऐसा रोड आप लोगों ने कहीं देखा भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता दोस्तों। ये देखिए कैसा हाल हो गया रोड का। ये देखिए ये तो पूरा उधर पानी ही भरा हुआ है। ये तो बांस वांस का बगान है, ये बांस है दोस्तों। ये देखिए रोड का क्या हालत हो गया है। रोड तो भगवान के भरोसे ही है, पता नहीं इधर आदमी कैसे जाते आते हैं। देखिए ये सब सारा दोस्तों बाढ़ का ही पानी है। ये देखिए थोड़ा सारा पानी बचा है अभी। तो हम लोग इधर एक्सप्लोर करते रहते हैं अक्सर। चलिए आप लोग भी हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए। शहर में तो ये सब देखने को मिलता भी नहीं है। इमारतें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग और रोड वही रहती है उधर। इधर एयर का प्योरिटी काफ़ी साफ है। इधर देखिए उधर भी पूरा, ये देखिए दोस्तों इधर से ही आए थे हम लोग। अभी तो काफ़ी दूर चलना है दोस्तों। मेरा घर अभी काफ़ी दूर है कि ये तो ये जंगल जो एरिया है ना वो गांव से थोड़ा दूर है। तो शाम को अक्सर घूमने के लिए आ जाया करते हैं इधर। रोड देख के तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि इधर कितनी परेशानी है। मट्टी और ईटा इसी का रोड है। ये देखिए ये कैचली है, जब पानी जम जाता है ना तो ऐसे ही कैचली हो जाता है दोस्तों। ये देखिए ये तो ये थोड़ा सा इधर रात में इधर हम लोग नहीं आते हैं, काफ़ी सुनसान एरिया है दोस्तों। ये देख रहे हैं दोनों साइड, इधर भी बांस का पूरा जंगल है, इधर भी बांस का पूरा जंगल है। तो रात को जो है इधर आवाजाही बहुत ही कम होता है। जो लोग आते हैं वो दिन में ही आते हैं, देखने से ही पता चल रहा होगा। थोड़ा सा जंगल का इंटीरियर एरिया है तो कोई प्रिफर नहीं करते इधर आने को। और रोड भी अच्छा नहीं है, इसके कारण भी बोल सकते हैं हम लोग। दोस्तों देख सकते हैं
तो अभी जंगल एरिया को थोड़ी देर में हम लोग लीव कर देंगे, ख़त्म होने वाला जंगल एरिया थोड़ी देर में। काफ़ी हद तक हम लोग आगे आ गए हैं। वो दोनों जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो हम लोग दो तीन आदमी से मिल के ही आते हैं इधर, अकेला आना प्रेफर नहीं करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर जब आम का महीना आएगा ना, तब कभी आएंगे तो दिखाएंगे इधर कितना आम होता है। ये सब पूरा आम का ही बगान है और इधर आम बहुत होता है दोस्तों, सारा आम का ही बगान है पूरा पूरा एरिया। देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं घेरा हुआ है, इसमें भी आम का पेड़ ही लगा के रखा गया है। ये देखिए थोड़ा सा रोड इधर सही है, खारंजा थोड़ा सही है, उधर तो काफ़ी टूटा हुआ था रोड, वॉकिंग में भी प्रॉब्लम ही है उधर। ये देखिए दोस्तों केवल आम का बगान, मतलब इतना आम का पेड़ तो आप लोग देखे नहीं होंगे सर में। ये देखिए इस साइड भी सेम ही है। चलिए ये ख़त्म हो गया जंगल के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा मुझे।